गुड आफ्टरनून चिल्ड्रन, प्यारे प्यारे बच्चों, डियर सब्सक्राइबर्स एंड व्यूअर्स, हमारी प्राइमरी पाठशाला की गलियारों में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और अस्तकबाल है। बच्चों, आज हम आप सबसे बात करने वाले हैं मापन पर। इसके पहले हमने आपको मापन पे सिखाया बड़े मात्रक क्या होते हैं, छोटे मात्रक क्या होते हैं। आज हम मापन पर ही बात करने वाले हैं। आप सब कपड़ा खरीदने जाते हो, जाते हो जी। जाते हो ना जी। जब कपड़े वाले की दुकान पे जाते हो तो कपड़ा वाला आपको कपड़ा दिखाता है। जैसे आप शर्ट और पैंट का कपड़ा लेने जाते हो तो कपड़ा वाला आपको कपड़ा दिखाता है, और जब आपको जो पसंद आ जाता है आप कहते हैं इसको दे। तो कपड़े वाला क्या करता है, कैसे आपको कपड़े देता है, फीता से नाप के। कैसे फीता से नाप के। कपड़े वाला क्या करता है, एक फीता निकालता है, एक स्केल निकालता है, और स्केल से आपको नाप कर कपड़े वाला कहता है आपके लिए इतना कपड़ा लगेगा और इसका दाम इतना। मीटर भी बताता है, सेंटीमीटर भी बताता है। तो बच्चों, वो जो नापता है, जो स्केल का प्रयोग करता है, टेप का प्रयोग करता है, वो मीटर स्केल होता है। और आपका जो कपड़ा लगता है मीटर या सेंटीमीटर में नाप के आपको काट के वो दे। ओके बच्चों, तो आज हम बात करने जा रहे हैं मीटर और सेंटीमीटर की। किसकी? मीटर और सेंटीमीटर। आपके सामने लिखा है मीटर सेंटीमीटर। मीटर क्या है, सेंटीमीटर क्या है, आपको हमने इसके पहले बता रखा है। आपको हमने बड़े मात्रक बताया है, छोटे मात्रक बताया है। आज मीटर और सेंटीमीटर में क्या संबंध होते हैं इसको आज हम बताएंगे। बच्चों, आपके सामने हमने एक टेबल बना रखी है, टेबल को ध्यान देना। जैसे टेबल में देखो, हमने 0 से 100 तक लिख रखा है, जिसको नाम दे दिया है 100 सेंटीमीटर। कितना? 100 सेंटीमीटर। तो हमेशा याद रखना बच्चों, 10, 20, 30 ऐसे हमने 100 तक लिख रखा है इसमें। और याद रखना हमेशा, इसको हमने 1 मीटर कह दिया। 1 मीटर में आप देख रहे हैं इसके कितने टुकड़े हमने किया, 100 टुकड़े। 1 मीटर में हमने इसके कितने टुकड़े किया, 100 टुकड़े किया। 1 मीटर में इसके हमने कितना टुकड़े किया, 100 टुकड़े किया। और बच्चों, यही 100 टुकड़े क्या हो जाएंगे, सेंटीमीटर। तो याद रखना हमेशा से, 1 मीटर में, 1 मीटर में जो है 100 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है बच्चों, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। 0 से लेकर 100 ये आपका सेंटीमीटर है बच्चों, और इसी को 1 मीटर कहते हैं, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। अगर आपने 2 मीटर कपड़ा खरीदा, आपने दुकानदार से 2 मीटर कपड़ा खरीदा, कितना मीटर, 2 मीटर। हमने बताया 1 मीटर में 100 मतलब 100 सेंटीमीटर होता है। तो बच्चों बताओ, 2 मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा, कितना, 200। कितना होगा, 200 सेंटीमीटर। कितना होगा बच्चों, 200 सेंटीमीटर। अगर आपने 1.5 मीटर कपड़ा खरीदा बच्चों, 1.5 मीटर मतलब 1.5 मीटर अगर कपड़ा खरीदा, तो आपने कितना सेंटीमीटर कपड़ा खरीदा, कितना सेंटीमीटर कपड़ा खरीदा बताओ, कितना, 150। क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है और 0.5 मीटर में 50 सेंटीमीटर हो जाता है, तो कितना हो जाएगा, 150
सेंटीमीटर। तो आज से बच्चों हमेशा याद रखना, एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। कितना? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। तो कपड़े वाला अगर आपको 1 मीटर नाप के कपड़ा दे रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसने आपको 100 सेंटीमीटर कपड़ा, कितना दिया? 100 सेंटीमीटर कपड़ा दिया। अगर किसी ने कहा कि आपकी लंबाई, आपकी हाइट 1.5 मीटर है, आपकी हाइट कितनी है? 1.5 मीटर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी हाइट जो है वो कितनी है? 150 सेंटीमीटर। कितनी है? 150 सेंटीमीटर। 1.5 मीटर 1.5 मीटर को ही क्या कहते हैं? 150 सेंटीमीटर। जब आपकी हाइट नापी जाती है, आप अपनी हाइट नापते हैं तो कहते हैं हम इतने लंबे हैं, 1.5 मीटर लंबे, 1.5 मीटर लंबे मतलब 150 मीटर लंबे, सॉरी 150 सेंटीमीटर क्या है? लंबे। ओके बच्चों, ये कभी कभी आपके सामने ऐसा भी दिया रहता है सवाल, जैसे हमें कन्वर्ट करना हो मीटर सेंटीमीटर, ये तो था जैसे मीटर को सेंटीमीटर में बदलना। आइए मीटर से सेंटीमीटर, मीटर से सेंटीमीटर हम कैसे बदलते हैं इसको सीखो। जैसे आपसे कहा गया पांच मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे। 1 मीटर में मैंने कितना बताया? 100 सेंटीमीटर। तो 5 मीटर में कितना हो जाएगा बच्चों? 5×100 कर दोगे, 5×100 कितना कर दोगे? 100 कर दोगे। इस तरह ये कितना हो जाएगा बच्चों? 500 सेंटीमीटर। दूसरा, अब हमसे कहा गया कि 2.5 मीटर को, अगर आपसे किसी ने कहा कि 2.5 मीटर को 2.5 मीटर को सेंटीमीटर में बदलो, तो आपको बताया गया कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 2.5 मीटर में 2.5×100 सेंटीमीटर कर दोगे। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो बताओ बच्चों कितना आ जाएगा? 250। कितना आएगा? 250। तो 2.5 मीटर में बच्चों 250 सेंटीमीटर होता है। ओके, ये था मीटर से हम कैसे सेंटीमीटर बदलते हैं। आइए हम बताते हैं आपको, मीटर सेंटीमीटर अगर दिया गया हो, क्या दिया गया हो? मीटर सेंटीमीटर अगर दिया गया हो तो इसको कैसे हम सेंटीमीटर में बदलते हैं। हमें मीटर भी दिया गया है, सेंटीमीटर भी दिया गया है, तो इसको हम कैसे सेंटीमीटर में बदलेंगे। जैसे हमारे पास है 5 मीटर 50 सेंटीमीटर, हमारे पास है 5 मीटर 50 सेंटीमीटर, तो हमें किसमें बदलना है बच्चों? इसको सेंटीमीटर में बदलना है। तो 5 मीटर में कितने मीटर होंगे बच्चों बताओ? 5 मीटर में 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 5 मीटर में 500 कितना हो जाएगा? 500 सेंटीमीटर। और 50 सेंटीमीटर इसमें क्या कर देंगे? हम जोड़ देंगे, क्योंकि हमें इसको किसमें बदलना है? सेंटीमीटर में, तो इसको जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 550 सेंटीमीटर। तो 5 मीटर 50 सेंटीमीटर में 550 सेंटीमीटर हो जाता है। और देख लो, एक जैसे आपके पास है 8 मीटर 75 सेंटीमीटर, 8 मीटर 75 सेंटीमीटर, तो 8 मीटर में कितने सेंटीमीटर बताओ? 8 मीटर में कितने? 800 सेंटीमीटर। और 75 सेंटीमीटर को इसमें हम जोड़ देंगे तो बच्चों ये कितना हो जाएगा? 875 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, ये हो गया। आइए
मीटर सेंटीमीटर को हम जोड़ना सिखाते हैं, मीटर सेंटीमीटर को जोड़ना सिखाते हैं। जैसे हमारे पास 10 मीटर है, 25 सेंटीमीटर है और हमारे पास 25 मीटर है, 30 सेंटीमीटर है। इस तरह हमारे पास दो बार राशियां दी गई हैं, दो बार दी गई हैं, एक 10 मीटर 25 सेंटीमीटर, 25 मीटर 10 सेंटीमीटर दी गई है और आपसे कहा जाए तो इसको जोड़ो। तो इसको कैसे जोड़ा जाता है बच्चों, सीखो इसको। आप क्या करोगे ऐसे सवालों को करने के लिए, मीटर लिख लोगे, सेंटीमीटर लिख लोगे, मीटर वाले के नीचे मीटर लिख लोगे और सेंटीमीटर वालों के नीचे सेंटीमीटर लिख लोगे। उसके बाद इसको क्या करोगे, ऐड कर लोगे, जोड़ लोगे, 5 और ये 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस तरह जोड़ने पर 35 मीटर आता है और 55 सेंटीमीटर आता है। ये था बच्चों आज का मीटर सेंटीमीटर। समझ में आया बच्चों? जी। समझ में आया ना जी। ओके बच्चों, समझ में आया हो तो थैंक यू बच्चों।